विकासखंड फतेहपुर की पंचायत टकोली घिरथा के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले लोग गली पक्की न होने से पंचायत प्रधान से काफी निराश हैं। लोगों ने पंचायत घर के प्रधान के खिलाफ काफी रोष व्यक्त किया है और गली पक्की न होने के बारे जानकारी मांगी। 300 आबादी वाले इस वार्ड के लोगों को गली पक्की न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव वालों का कहना है कि वे इसके बारे में कई बार प्रधान को अवगत करवा चुके हैं, पर अभी तक इस गली का कोई हल नहीं हुआ है। विकासखंड फतेहपुर की पंचायत टकोली गिरथा के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले लोग गली पक्की न होने से पंचायत प्रधान से काफी निराश हैं। लोगों ने पंचायत घर में प्रधान के खिलाफ काफी रोष प्रकट किया है और गली पक्की न होने के बारे में जानकारी मांगी। 300 आबादी वाले इस वार्ड के लोगों को गली पक्की न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव वालों का कहना है कि वे इसके बारे में कई बार प्रधान को अवगत करवा चुके हैं, पर अभी तक इस गली का कोई काम नहीं हुआ है। प्रधान दिन प्रतिदिन बहाने लगाकर टाल मटोल कर रहा है। गली में काफी कीचड़ और जगह जगह पानी रुका पड़ा है और बारिश में स्थिति नर्क जैसी बन जाती है। प्रधान के प्रति लोगों का काफी गुस्सा है और लोगों ने पंचायत घर में जाकर प्रधान के सामने जमकर भड़ास निकाली। गली मनरेगा के तहत बननी है और पैसा सेक्शन हो चुका है। गांव वालों ने बताया कि यहां कभी रास्ता बना ही नहीं और जो थोड़ी बहुत ईंट लगाई गई है वो भी गांव वालों ने अपने पैसे इकट्ठे करके लगाई है। रास्ते के लिए जब प्रधान से बात करते हैं तो वो टाल मटोल कर टाल देते हैं। मेरे घर में मेरी सास बीमार थी, रास्ते की हालत देख लो आप कितनी खराब है। ये हमारा घर है, इतनी बीमारी पाई है उन्होंने, अब तो वो चले भी गए हैं। तो मैं इतनी तंग रहती थी कि हमारे वो तालाब है ना, उसके पास ही हमारे घर है, तो इतनी दिक्कत थी जहाँ पर, तो हम इनकी इस रास्ते से निकल नहीं सकते थे। तो थोड़ी पाई बनी थी तो इस रास्ते से हम निकल कर वहाँ पर पहुँचते थे। इतने इतने पानी में भी रात 10-10 बजे में पानी से निकल कर उस सास के पास जाते थे। हमारी हालत इतनी ख़राब थी, आप खुद देख लो क्या हाल। जी मेरा नाम है राम सिंह भामड़ा और मैं जबकि जन्म तो लेके मैं इसी गांव चले आए हैं, पर ये जड़ा रास्ता ना आज तक बनया ही नहीं, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया। ये थोड़ा बहुत जड़ा बनाया है, इट्टा उट्टा लगाई है, वो भी अस गाँव वाले 250-250 रुपया पा के था ये रास्ता बनाया था, और उस तो बाद ये रास्ता बनया ही नहीं। और प्रधान और रानर गल करिए तो वो कहें बस जी 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पहली तरीक काम लगा दूंगी, और अगले महीने की पहली तरीक काम लगा दूंगी, कोई काम नहीं लगा। जब पंचायत प्रधान परमजीत कौर से बात की तो उन्होंने बताया कि 4.5 लाख का एस्टिमेट बन चुका है, पैसा सेक्शन हो चुका है और सीमेंट के लिए अप्लाई कर दिया गया है। जब भी सीमेंट आएगा तत्काल गली का काम शुरू कर दिया जाएगा। सर मैंने 2.5 लाख और 2.5 लाख 4.5 लाख का मैंने जो एस्टिमेट है वो बन चुका है, सेक्शन हो गया है और मैंने सीमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। जब भी सीमेंट आएगा तो मैं तत्काल ही उसको शुरू कर दूंगी रास्ता। लोगों का कहना है कि हर जगह काम हो रहा है पर वार्ड नंबर 4 में कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या है? सर ऐसा है ना, कुछ काम जो है वो अलग अलग मतलब इसके हैं, कुछ मनरेगा के हैं और कुछ 14 मई के हैं। ठीक है, जो 14 मई के हैं वो हमारा प्लानिंग का पैसा होता है वो जल्दी लग जाता है, जो उसमें मनरेगा को होता है उसको सेक्शन करना पड़ता है, जब उसका ऑनलाइन पैसा आता है, जब पैसा आएगा तो तभी काम चलेगा ना। अब इस जो गली की समस्या है इसका क्या हल होगा? सर मैं वही, जब भी मेरे पास सुबह आ जाता है सीमेंट तो मैं तत्काल ही जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी मैं तत्पर हूँ। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे मंडी की ओर।